नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। बालाघाट जिले में विभिन्न स्थानों में लूट व डकैती करने के मामले गत कई दिनों से प्रकाश में आ रहे थे, जिसे गंभीरता पूर्वक लेते हुए पुलिस के आला अधिकारियों के नेतृत्व में खैरलांजी एवं भरवेली पुलिस ने लूट और डकैती करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। बता दें कि पहली घटना 22 जनवरी को गांगुलपारा घाटी में दो अज्ञात मोटरसाइकिल सवारों द्वारा 1,29,000 रुपये लूटे जाने की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें भरवेली पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है और एक आरोपी फरार बताया जा रहा है। वहीं दूसरी घटना खैरलांजी व रामपायली थाना क्षेत्र की है, जहां पिछले एक वर्ष में रामपायली एवं खैरलांजी थाना अंतर्गत किराना एवं फाइनेंस कंपनियों के एजेंटों को निशाना बनाकर लूट डकैती करने वाले गैंग को बालाघाट पुलिस ने कड़ी मेहनत से पकड़ा है, जिसमें 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और 3 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। बालाघाट पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने सभी व्यापारिक बंधुओं से अपील की है कि वित्तीय लेनदेन हेतु ऑनलाइन भुगतान माध्यम का उपयोग करें और आवश्यक होने पर ही नकद लेन देन करें। अत्यंत आवश्यक होने पर नकद राशि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते समय संपूर्ण सावधानी बरतते हुए अलग अलग दिन समय वाहन रास्ते इत्यादि का उपयोग करें। ऐसा करने से इसकी जानकारी कम से कम लोगों को होगी। सर, बालाघाट पुलिस की बड़ी सफलता हाथ लगी जब दो अलग अलग मामलों में लूट और डकैती के मामले में खुलासा किया पुलिस। कैसे पुलिस ने इस मामले में खुलासा किया और क्या क्या पुलिस कार्रवाई है इस मामले में? बिल्कुल सही कहा आपने, दो घटनाएं, दो अलग अलग प्रकरणों में हमने खुलासा किया। एक तो कुछ दिनों पहले गांगुलपारा घाटी में एक व्यापारी के साथ लूट की घटना कारित की गई थी, जिसमें हमने कुल अभी तक 3 आरोपियों को राउंडअप, 3 आरोपियों को आइडेंटिफाई किया है, 2 अभी राउंडअप हैं, 1 फरार है और उससे कुछ मशरूका भी जब्त किया है, जिसमें CSP साहब और बरवेली की पूरी टीम की बहुत अच्छी मेहनत रही है। और दूसरा जो ज़्यादा चैलेंजिंग था वो वारासिवनी अनुभाग में रामपायली, खैरलांजी और वारासिवनी, इन थानों में पिछले 8-10 महीने से लगातार 3-4 लूट की घटनाएं हुई, जिसमें व्यापारी जो कि अपने किराना दुकानों से वसूली के लिए पैसे लेकर जब लौट रहे होते हैं तो उनके ऊपर डंडे से प्रहार करके एक गैंग पूरा था, लगभग 13-14 लोगों का गैंग जो अलग अलग घटनाओं में शामिल था और उनसे वो पैसे लूटते थे। इसमें एडिशनल SP विजय और उनकी पूरी टीम ने एक्सेप्शनल काम किया है और हमने कुल 11 आरोपियों को राउंडअप किया है, जिसमें सूचना देने वाले लोग भी शामिल हैं और 3 आरोपी फरार हैं। पर इसमें मैं व्यापारी समूह से एक अपील ज़रूर करना चाहूँगा कि आप जब भी वसूली का पैसा लेने के लिए गांव में जाते हैं तो उस समय को कृपया एक फिक्स पैटर्न न बनने दें, समय और सप्ताह के जिस दिन की बात हो रही है फिक्स पैटर्न न बनने दें, ताकि जैसे इन सभी मैटर्स में अभी तक खुलासा हुआ है कि आपकी रेकी करना बहुत आसान हो जाता है। प्रयास करें कि 4-व्हीलर्स में जाएँ, पुलिस तो निरंतर आपके साथ सुरक्षा के लिए है ही और आरोपियों के हम लोग राउंडअप करेंगे भी, परंतु तत्समय आपकी सुरक्षा के लिए और आपके साथ कोई ऐसी घटना ना हो इसके लिए यदि संभव हो तो पैटर्न बदलने की आवश्यकता। ऑनलाइन भी आपने भी बिल्कुल ऑनलाइन भी आप प्रयास करें, ऑनलाइन ट्रांसफ़र यदि हो सके तो वो तो बेस्ट है। सर, सभी लोगों का इक्वल रोल है, कॉमन इंटेंशन है, तो ऐसा कुछ इसमें विशेष अलग नहीं है। दोनों मिला के आरोपी कितने कुल आरोपी हो गए? कुल आरोपी अभी तक 17 आरोपी हैं, जिससे अभी तक मुझे लग रहा है 8 से 10 मोटरसाइकिलें हमने जब्त की हैं, लगभग 15 मोबाइल फ़ोन जब्त हुए हैं, चाकू जब्त हुआ है जो घटना में प्रयोग हुआ था, उनसे प्रयोग किया गया जो हथियार डंडा वगैरह